हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। और बेटा हम आज बताएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बेटा बायोलॉजी का एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, फोटोसिंथेसिस। काफी बेहतरीन सवाल और उसको उसके आपको आज काफी बेहतरीन जवाब भी मिलेंगे। बेटा हम बताएंगे कि इस रिएक्शन इस चैप्टर में जो C3 साइकिल चलती है और C4 साइकिल चलती है, और PS1 क्या है, PS2 क्या है, डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं और लाइट रिएक्शन क्या है, मैं बेसिकली आपको इस चैप्टर में इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो बेटा हम बात करेंगे, आपने जनरली बचपन में पढ़ा होगा बेटा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ फूड है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई प्लांट CO2 लेके अपना फूड बना रहा है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो आपने जनरली पढ़ा होगा सर फोटोसिंथेसिस है। भाई जी देखो, डायरेक्ट जो है लाइट से फूड नहीं बन सकता। आज तक तो आपने पढ़ा है कि कोई फूड लाइट से फूड बन रहा है डायरेक्ट, सनलाइट से CO2 लिया और वगैरह वगैरह जो भी क्लोरोफिल वगैरह वगैरह फूड बन गया है, वो अलग बात है। बेटा हम अगर बात करें बेटा लाइट, आपके पास जो लाइट है, लाइट बेटा वो लाइट सबसे पहले बेटा कन्वर्ट होगी, अब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ATP में कन्वर्ट होता है। ATP एनर्जी का मॉलिक्यूल है, या ATP और NADPH में कन्वर्ट होता है, ATP और NADH में, NADPH में कन्वर्ट होता है। इसको बेटा एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनर्जी बोला जाता है। इस एनर्जी का यूज फिर बेटा फूड बनाने में होता है। फूड बनाने में बेटा किसमें होता है? फूड के फॉर्मेशन में। तो मेरे बच्चों, जो लाइट रिएक्शन जब ATP के फॉर्मेशन करती है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे, जब लाइट ATP का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन बोला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे लाइट से ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? बेटा उसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। अब उसी जो एनर्जी का यूज अगर हम फूड के फॉर्मेशन में कर रहे हैं, उसी एनर्जी का यूज जो है बेटा वो अगर फूड के फॉर्मेशन में हो रहा है बेटा, इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ये कोई अंधेरे में या डार्क में नहीं होती है। तो बेटा ATP और NADPH जो एनर्जी था, उस एनर्जी का यूज हम फूड के फॉर्मेशन में अगर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। बेटा झमाझम थोड़ा सा चमका क्या बेटा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे एक घंटे के लेक्चर में, जितने का भी लेक्चर होएगा। अब ये प्लांट है, प्लांट जो भी चीज लिया, वाटर मिनरल जो भी लिया, लीफ के पास पहुंचा, इसने खाना वाना बना दिया, फूड मिल गया, ग्लूकोज और आपको ऑक्सीजन मिल गई है, और इस प्लांट में लीव्स ने टोटल ऑक्सीजन ले लिया। अब अगर इसका हम थोड़ा सा अगर माइक्रोस्कोप से मतलब बोले तो देखेंगे हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर हम देखें कि इसमें चलता क्या है, तो बेटा आपको पता, मैंने लीव का स्ट्रक्चर बना रखा है, लीव ही दिख रहा होगा, लीव का एक स्ट्रक्चर बना रखा बेटा, और मैंने अगर इसको जूम करके देखा तो बेटा मेरे को मिल गया क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्या मिल गया मेरे को? क्लोरोप्लास्ट। बेटा इतने बात पता चल गया, हाँ भाई लीफ में क्लोरोप्लास्ट तो होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक के मैंने देखा है तो मुझे ये मिला है कि मुझे छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिले हैं। कोई स्ट्रक्चर ग्रुप में मिला है, कोई स्ट्रक्चर अकेला मिला है बेटा, कोई स्ट्रक्चर ग्रुप में मिला है, कोई स्ट्रक्चर अकेला मिला है, ऐसा पूरे लीफ में मिलेगा। इन स्ट्रक्चर को बेटा सबको थाइलाकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलाकोइड्स। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड थाइलाकोइड्स। और बेटा कुछ थाइलाकोइड अकेले मिलते हैं, कुछ थाइलाकोइड ग्रुप में मिलते हैं। जो थाइलाकोइड ग्रुप में मिलेंगे उनको बोलेंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। बेटा कैसे थाइलाकोइड? ग्रेनल थाइलाकोइड, ठीक है ना? कुछ ऐसे मिलते हैं जो ग्रुप में मिलते हैं थाइलाकोइड, उनको ग्रेनल थाइलाकोइड बोलते हैं।
कुछ बेटा सिंगल मिलते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलाकोइड। बेटा कैसे? थाइलाकोइड। कुछ ग्रुप में मिलेंगे, कुछ किस में मिलेंगे बेटा? अकेले मिलेंगे। कुछ ग्रुप में मिलते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनल थाइलाकोइड। कुछ बेटा अकेले मिलेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रोमल थाइलाकोइड। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रोमल थाइलाकोइड। और बेटा स्ट्रोमल क्यों बोला? क्योंकि बेटा स्ट्रोमा में है। किस में है बेटा? स्ट्रोमा में है। ये अंदर ये पार्ट स्ट्रोमा कहलाएगा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है बेटा। और थाइलाकोइड के अंदर वाला पार्ट जो होगा वो कहलाएगा ल्यूमेन। क्या कहलाएगा बेटे? ल्यूमेन। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होती है तो उसमें देखेंगे। हाँ भाई, थाइलाकोइड के बाहर वाला पार्ट स्ट्रोमा और थाइलाकोइड के अंदर वाला पार्ट ल्यूमेन, फ्री स्पेस जहां पर रिएक्शन हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया स्ट्रोमल थाइलाकोइड और ये हो गया ग्रेनल थाइलाकोइड। अगर हम थाइलाकोइड का एक स्ट्रक्चर बनाए रफ तरीके से, अगर हम थाइलाकोइड का बेटा स्ट्रक्चर बनाए, ये मेरा कौन सा थाइलाकोइड होगा बेटा? सर थाइलाकोइड आर इन द ग्रुप, तो ये मेरा ग्रेनम थाइलाकोइड कहलाएगा। कैसा थाइलाकोइड कहलाएगा? ग्रेनम थाइलाकोइड। तो बेटा इसमें ना कुछ सिस्टम लगे रहते हैं जो बाहर से आने वाले सनलाइट को अपनी ओर यू नो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं उनको। तो बेटा कुछ इसमें सिस्टम या कुछ मतलब बोले तो स्ट्रक्चर लगे होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो सिस्टम। अरे फोटो सिस्टम का काम क्या है? लाइट एनर्जी जो भी रिएक्शन है उस इलेक्ट्रॉन्स को या जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट करना। अभी हम देखेंगे लाइट और डार्क में। बेटा ग्रेनल थाइलाकोइड में बेटा फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू। ये आपके ग्रेनल थाइलाकोइड में मिलेंगे। बेटा रही बात स्ट्रोमल थाइलाकोइड की, ये लो बेटा स्ट्रोमल थाइलाकोइड है, ये लो जो अकेला है वो स्ट्रोमल थाइलाकोइड है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड है। हाँ जी, जिस प्रकार से बेटा ग्रेनल थाइलाकोइड में फोटो सिस्टम मिले थे ऐसे ही स्ट्रोमल मिलेंगे, लेकिन यहां केवल एक मिलता है, उसका नाम है PS1, फोटो सिस्टम वन। तो पहला सवाल, ग्रेनल थाइलाकोइड में दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड में एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि होता है PS1। इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन को पहले लेते हैं फिर इस किसी को देते हैं, वो कन्वर्ट होकर किसी ना किसी NADPH फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फाइनली ATP का फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकता है PS1 एंड PS2। कहां, क्या और कब और क्यों और कैसे, इसका जवाब देखेंगे बेटा थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटा। तो ये हो गया फोटो सिस्टम का सीनरी, ठीक है बेटा। तो एक पत्ती है उसके अंदर से आपको देखोगे झांक के तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट से आप डिटेल में देखोगे तो बेटा स्ट्रोमा मिलेगा, स्ट्रोमा के अंदर मिलेगा क्या मिलेगा बेटा? थाइलाकोइड्स। क्या मिलेगा बेटा? थाइलाकोइड्स, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे फोटो सिस्टम की, बेटा फोटो सिस्टम में तीन लोग प्रेजेंट होते बेटा, थ्री टाइप्स। कितने टाइप? थ्री टाइप्स। एक तो बेटा एंजाइम, दूसरा पिगमेंट और तीसरा बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। द वन इज एंजाइम, द अदर वन इज बेटा पिगमेंट्स, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा तीनों का रोल है। एंजाइम देखो PS1 और PS2 की अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर PS1 और PS2 की बात करेंगे, PS1 में NADP रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है NADP रिडक्टेज जो बाद में NADPH में कन्वर्ट करेगा। जब PS1 से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा FeS फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो फिर वहां पर NADPH के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा NADP के पास, तो फिर NADP उस इलेक्ट्रॉन को लेके बेटा NADPH का फॉर्मेशन करेगा। यह है PS1 का काम, ठीक है बेटा। ऐसे PS2 है, PS2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PS2 फोटोलिसिस ऑफ वाटर, PS1 NADP रिडक्टेज,
ठीक है बेटा, बेटा शानदार चमक रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, बस आपको हल्का फुल्का रिविजन करना है, ठीक है। चलिए अगला पिगमेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, जेंटोफिल्स होते हैं, है नहीं है बेटा। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है ग्रीन और येल्लो कलर का होता है, और कैरोटीन किस तरीके से होता है बेटा, येल्लो ऑरेंज कलर का होता है, और बेटा जेंटोफिल किस कलर का होगा, येल्लो कलर का होता है। बेटा समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो ये तो इससे कलर है, ठीक है ना। अगर बेटा अगर याद बात अगर कुछ रखना है तो उसको बिग गियर से याद कर सकते हो, बी आई वी जी वाई ओ आर। बेटा यहां से स्टार्ट करो, ब्लू ग्रीन ए का होता है, ग्रीन येल्लो बी का होता है, येल्लो ऑरेंज कैरोटीन का होता है, जेंटोफिल से आपको पता है येलो कलर का होता है। अब देखो पिगमेंट कुछ इस तरीके से होता है बेटा, देखो मान लो राजा है, राजा जो राजा है ना, राजा की रिएक्शन कैसे चलती है बेटा, राजा इज क्लोरोफिल ए, राजा जो है क्लोरोफिल ए है, इसके पास आते सब लोग, ठीक है, इसको हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। अब इसके आसपास लगे हुए हैं बहुत सारे पिगमेंट, इसको चारों ओर घेरते हैं बेटा, ये लाइट पे एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल ए तो सेंटर में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, और आपके जो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ये है क्लोरोफिल बी, देख लो यहां क्लोरोफिल बी है, यहां जेंटोफिल प्रेजेंट है, यहां कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। ये क्या होंगे, जैसे सनलाइट आएगी बाहर से आने वाले सनलाइट को क्या करेगा बेटा, ये क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाएगा, क्या करेगा, इस क्लोरोफिल ए के पास, ये जो बाहर से सनलाइट जो नहीं पहुंच पा रही होगी इसके पास, ये इसके पास ले जाने की कोशिश करेगा। क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल्स, कैरोटीन, दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, सहायक पिगमेंट है, ये हेल्प करते हैं सनलाइट, अगर कोई सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एक्सेसरी पिगमेंट। और बेटा हम आपको एक चीज और बता दें, अगर मान लो फोटो सिस्टम वन है यहां पे बेटा, वो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बेटा अगर कोई पीएस टू है तो ये बेटा 6 से 18 नैनोमीटर की लाइट तक एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मान लो 670 आया, 670 को PS1 भी एब्जॉर्ब कर सकता है 670 तक, और PS2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नहीं है बेटा, जब 670 वेवर में आ गया तो बेटा इसको दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं, PS1 भी एब्जॉर्ब कर सकता है और PS2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर मान लो 700 आ गया, 700 नैनोमीटर तो ये एब्जॉर्ब कर सकता ना PS1, तो PS2 की लिमिट तो 680 है, पर केवल और केवल कौन एब्जॉर्ब कर सकता बेटा, PS1, और PS2 इसको नहीं कर सकता। ऐसे बेटा 710 आ गया, दोनों में से एक भी नहीं कर सकता, PS1 भी नहीं कर सकता एब्जॉर्ब, और PS2 भी इस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। ये लिमिट है, अगर पेपर में आया क्वेश्चन तो आपको इसको लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये इसके फोटो सिस्टम में इतने एंजाइम होते हैं, ये इतने पिगमेंट्स होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें, एक्सेप्टर की PS1 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा, वो है आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है ना, या फेरेडॉक्सिन बोलते हैं इसको। आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा PS1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। PS1 में जो है फोटो सिस्टम वन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, वो करेगा कौन, आयरन सल्फर प्रोटीन। और PS2 में कौन करेगा, फियोफाइटिन बेटा, कौन करेगा, फियोफाइटिन। PS2 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम है वो बेटा फियोफाइटिन करेगा, फियोफाइटिन, ठीक है ना बेटा। ये चीजें याद रखनी है, ये भी चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अब तक बताया आपको, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा स्टडी है कि हमें कैसे लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, थायलाकॉइड कहां होते हैं, और स्ट्रोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसे लाइट से एटीपी में बनता है, फिर लाइट रिएक्शन बोलते हैं, एटीपी एनएडीपीएस से फिर फूड बनता है डार्क रिएक्शन में, है नहीं है बेटा। तो ये हल्का सा थोड़ा सा स्टडी है, तो हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, देखो बेटा हम लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, लाइट रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया सर, लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है सर
देखो लाइट और डार्क दो टाइप रिएक्शन है। डार्क का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में रिएक्शन हो रही है ना, ठीक है। सनलाइट से आपका पहले बनना है एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी बनेगी तो लाइट रिएक्शन है यहां बनेगी, और उस एनर्जी का यूज एटीपी और एनएडीपीएच का यूज अगर हम करेंगे ना फूड बनाने में तो वहां पर कहलाएगा कि डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। ओए पीछे का फैन ऑफ करना, पीछे का फैन ऑफ करना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हाँ भाई यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन और एनएडीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये सब चीज लेगा थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ये जो बना रखी है मैंने बेटा इसका नाम है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? दिस इज थायलाकॉइड मेम्ब्रेन टीएम। बेटा अगर पूछेगा लाइट रिएक्शन कहां होती है तो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में, सिंपल सा बंडा है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो भी होगी थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगी। ये कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब आप देखो जैसे ही बेटा देखना सुटेबल वेवलेंथ की अगर बेटा लाइट स्ट्राइक कर गई, लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है थोड़ा तेज बताएंगे, लाइट स्ट्राइक जैसे फोटोसिस्टम टू में स्ट्राइक किया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थायलाकॉइड है उसको फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू दोनों होते हैं, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा और दूसरा क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा दूसरा, ठीक है ना। अब आप यहां देखिए, अब जो फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू है तो ये जो पीएस वन और पीएस टू दोनों की तरह काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है और ये वाटर का स्प्लिटिंग भी करेगा फोटो सिस्टम, और इसमें पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां देखिए जैसे लाइट रिएक्शन में सुटेबल वेवलेंथ की लाइट गिर गई, अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला पीएस टू से तो बेटा पीएस टू में एक बंदा तैयार है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जिसका नाम है फियोफाइटिन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, पीएस वन में आयरन सल्फर पिगमेंट या एफईएस आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहां फियोफाइटिन। जैसे अगर सुटेबल वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करी बेटा पीएस टू से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, फियोफाइटिन ने उसको लिया। जैसे फियोफाइटिन ने उसको लिया बेटा तीन कॉम्प्लेक्स और होते हैं, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी सिक्स एफ और पीसी, मतलब फियो साइनिन, ठीक है ना। यस यस फियो साइनिन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया इसने ले लिया, बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे ये लोग, ठीक है ना। पी क्यू साइटोक्रोम बी सिक्स और पीसी, ठीक है ना, ये प्लास्टोसियानिन है, इसका पीसी का मतलब प्लास्टोसियानिन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, देखना जैसे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन यहां निकला, ये प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, जैसे प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन गया बेटा जट से एक एच प्लस रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ल्यूमेन के अंदर एच प्लस चले गया, ये प्लास्टोसियानिन साइटोक्रोम बी सिक्स है और प्लास्टोक्विनोन। अब जैसे ही प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो वहां से एच प्लस निकल गया ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन कहां चले गया, पीक्यू से साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन में, ठीक है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा पीएस टू में, सॉरी पीएस वन में, जैसे पीएस वन में इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन में फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया एफईएस, मतलब एफईएस प्रोटीन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना बेटा। यहां एक फेरेडॉक्सिन भी होता है, इसको फेरेडॉक्सिन बोल सकते हैं, फेरेडॉक्सिन, ठीक है ना। फेरेडॉक्सिन नाम का पिगमेंट है ये, फिर से फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, एनएडीपी प्लस एच प्लस, देखो एनएडीपी और एच प्लस एंजाइम यहां पर प्रेजेंट है पीएस वन के पास, ठीक है ना। इसके पास क्या है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, और पीएस टू के पास क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला एंजाइम प्रेजेंट, जो वाटर को तोड़ेगा वो एंजाइम प्रेजेंट है पीएस टू में। जैसे एनएडीपी रिडक्टेज इसको मिला, ठीक, तो ये क्या करेगा, एनएडीपी रिडक्टेज जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गया, एनएडी के पास इलेक्ट्रॉन मिला तो बेटा क्या बना देगा, एनएडीपी एच का फॉर्मेशन कर देगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो एनएडीपी का एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है बेटा स्ट्रोमा में, कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में। चले एक टास्क तो पूरा हो गया, अब देखना जो यहां पर प्लास्टोक्विनोन से जो हाइड्रोजन निकल गए
अब इधर देखो हाइड्रोजन बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, ऐसे बहुत सारा साइकिल चलेगा, न्यूमेन में हाइड्रोजन का अमाउंट आता रहेगा, देख लो ठीक है ना। अब देखो ल्यूमेन में जैसे ही H प्लस आयन आए तो ल्यूमेन के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गया हाइड्रोजन आयन का। अब जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा तो बेटा एक बंदा और होता नीचे एटीपी सिंथेटेज, वहां से ही H प्लस का रिलीज हो जाएगा। हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट से लोअर पोटेंशियल ग्रेडियंट में इस H प्लस का क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। और इसको बोलते हैं बेटा एटीपी सिंथेटेज। इसके दो नाम, दो पार्ट होते हैं, एफ नॉट जो ल्यूमेन के अंदर होगा, F1 जो पार्ट होगा स्टोमा में होगा। एटीपी सिंथेसिस क्यों बोला, क्योंकि यहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयंस। अब इस H प्लस आयन का यूज हो गया एटीपी के फॉर्मेशन में। देखो एटीपी भी बन चुका है स्टोमा में और एनएडीपीएच भी बन चुका है, ठीक है ना। तो बेटा हेंस हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो इसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का फॉर्मेशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो हालांकि लाइट का यूज हो रहा है, क्योंकि लाइट का यूज हो रहा है तो इसको बोल देंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन है नहीं है, तो ये बन गया फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, इलेक्ट्रॉन का यूज यहां हो गया तो ये कहलाएगा नॉन साइक्लिक। कैसा है, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। एटीपी और एनएडीपी के एनएडीपीएच का सिंथेसिस हो रहा है फॉर्मेशन। अब आप सर देखो इलेक्ट्रॉन निकला, फ्यूल बाइंडिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया प्लास्टोफिनॉल साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसियरिन से, यहां से PS1 के पास गया, PS1 से इलेक्ट्रॉन को ले लिया आयरन सल्फर प्रोटीन ने, फेरेडोक्सिन के पास भेजा, वहां से इलेक्ट्रॉन इसने एनएडीपी ने ले लिया एनएडीपी रिडक्टेज में, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ले तो एनएडीपीएच बना दिया, बन गया एनएडीपीएच। यहां से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ सर, अंदर जो है जैसे रिएक्शन चलती रहेगी अंदर क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया एटीपी बन गया। एक टाइम ऐसा आएगा ये तो खत्म हो जाएगा, H प्लस आयन खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, तो बेटा PH2 ये क्या करेगा, वाटर को तोड़ देगा। क्या तोड़ेगा, वाटर को। जैसे ही PH2 के पास जो है बेटा वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम प्रेजेंट है, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन PH2, ये क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना बेटा ये तोड़ देगा, किसमें, एक तो हाफ O2 में तोड़ेगा और एक तोड़ देगा 2H+ में, और साथ में किसका रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी रिलीज हो जाएगा। अब याद देखो है नहीं है, फिर से H+ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया उसके अंदर, H+ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब यहां से जो ऑक्सीजन है ये कहां रिलीज हो जाएगा बेटा, बाहर, देखो इसका यूज कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन निकलता है बेटा उसका यूज होगा, और नहीं बाहर रिलीज करेगी उसको, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन का यूज फिर से करेगा कौन, PH2 ने इन दो इलेक्ट्रॉन का यूज किया, फिर फ्यूफाइटिन से फिर दोबारा प्रोसेस एनएडीपीएच बन गया। देखो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इसको यूज नहीं कर रहे, वो तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से है, ठीक है ना। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन फ्यूफाइटिन ने लिया था इन तीन कॉम्प्लेक्स लेके इसको ट्रांसफर करके एनएडीपीएच बन रहा है, ये साइक्लिक नहीं कहेंगे, दिस इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये नॉन साइक्लिक है, तो ये है लाइट रिएक्शन जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसको नॉन साइक्लिक इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइकिल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बोलेंगे तो वाटर के स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और H प्लस भी आ रहा है अंदर, ठीक है। उसे एक टाइम H प्लस का अमाउंट खत्म हो गया तो क्या करेंगे, वाटर को तोड़ दूंगा मैं, PH2 के बाद वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। यहां एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को लेगा एनएडीपीएच बना देगा, है। तो ये ऐसे करके एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन में, इसलिए बोल दिया इसको लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब आप यहीं पर देखेंगे
अब जो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज हुआ है, एटीपी और एनएडीपीएच का जो यूज हुआ है बेटा, अभी किसमें जाएगा? डार्क रिएक्शन में। C3 साइकिल पड़ी होगी, C4 साइकिल पड़ी होगी आपको, और कैम साइकिल पड़ी होगी, है नहीं है? तो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज वहां होता है डार्क रिएक्शन में। वो डार्क रिएक्शन तो है C3, C4 और कैम साइकिल, ठीक है ना? ये हुआ लाइट रिएक्शन, थोड़ा हम डार्क रिएक्शन समझते हैं बेटा। साइक्लिक प्रोसेस के अगर हम बात करेंगे बेटा, कंडीशन है अगर वेवलेंथ लाइट की है 680 नैनोमीटर से ऊपर है, 680 नैनोमीटर से, तो बेटा जो PS2 है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि PS2 की मैक्सिमम रेंज है 680 नैनोमीटर, वो उतनी वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है? तो कंडीशन क्या है? मोर देन 680 नैनोमीटर। तो कोई वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन मिला है PS1 में जाके इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वही घूमेगा बस। PS1 में इतनी लाइट PS1 में अटैक कर सकता है, जैसे PS1 में अटैक किया बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ FeS आयरन सल्फर प्रोटीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये बेटा PQ को दे देगा प्लास्टोक्विनोन को, ये फेरोडॉक्सिन को नहीं देगा, फिर तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी ना। तो बेटा प्लास्टोक्विनोन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे क्या हो जाएगा, H+ आयन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे प्रोसेस चलती जाएगी क्योंकि लाइट की वेवलेंथ आ रही है, क्योंकि FeS से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP रिडक्टेज के बाद नहीं जा रहा है, तो यहां पर कोई NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है? अब जितने भी H+ अंदर है, H+ जाते जाएंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ते जाएगा, ठीक है? फिर नीचे बेटा ATP सिंथेटेज है, यहां से H+ आयन बाहर निकलेंगे और ATP बाहर निकलेगा, H+ आएंगे ATP निकलेगा, H+ आएंगे ATP निकलेगा, है नहीं है? ATP निकलेगा, इसको बोलेंगे ATP सिंथेटेज। तो यहां पर केवल और केवल ATP का फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रोमा में, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? ओनली फॉर्मेशन ऑफ ATP, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH। डिफरेंट पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना? देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, तभी तो PH2 काम नहीं करेगा, ठीक है ना? PH2 की मैक्सिमम लिमिट 680 नैनोमीटर है, ठीक है भाई? दिक्कत है? चले बेटा हम बात करते हैं C3 एंड C4 साइकिल की, ठीक है? देखो C3 एंड C4 साइकिल बेटा ये चलेंगे आपके स्ट्रोमा में, कहां चलेंगी? अरे डार्क रिएक्शन है ना, तीन टाइप चलते हैं C3, C4 एंड KM साइकिल। तो स्ट्रोमा में जितना भी आपका ATP और NADPH है उसका यूज अगर फूड बनाने में हो रहा है, यहां पर देखो ATP का यूज हो रहा है, NADPH का यूज हो रहा है नहीं है? तो इनका यूज अगर फूड बनाने में हो रहा है, क्योंकि ATP और NADPH सब कहां आ गए हैं? स्ट्रोमा आ गए। अब जो वहां पर लीफ है ना, लीफ का जो स्ट्रोमा है वहां पर चलेगा बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इन द सेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना? तो जो यहां पर ATP और NADPH है इसका जो यूज है प्लांट जो है फूड बनाने में करेगा, ग्लूकोज बनाने में। कैसे? यहां देखो बेटा, पहला C3 साइकिल, C3 साइकिल में होगा क्या, कैसे चलेगा, ठीक है ना बेटा? RUBP राइबुलोज 1,5-bifosphate, 5 कार्बन का, कितने कार्बन का है? 5 कार्बन। ये एटमोस्फेयर की CO2 प्रेजेंट है हमारे पास, बहुत सारा अमाउंट में CO2 है, CO2 ने CO2 को एक्सेप्ट किया RUBP ने, तो बेटा ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। क्या क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? कार्बोक्सिलेशन। जैसे ही RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड था, इसने CO2 को लिया, बन गया 6 कार्बन का, कितने कार्बन का बन गया? 6 कार्बन का। लेकिन ये बेटा 3 PGA में टूटता है, 3-phosphoglycerate, एक कितने का, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो कितने बनेंगे ऐसे? 2 बनेंगे। अरे 2 बनेंगे ना, एक 3 कार्बन का, तो 2 हो गए 6 कार्बन के, क्योंकि यहां से 5 कार्बन या 1 कार्बन ये निकल रहा है। अब जैसे PGA 3 PGA में कन्वर्ट हुआ, फिर यहां से 3 PGA में बेटा रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। ATP और NADPH का यूज होगा और वहां पर ATP का फॉर्मेशन होगा,
प्लस आईपी बोल सकते हैं, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना। फिर यहां से दो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। देखो एटीपी और एनएडीपीएच का यूज हो रहा है, जैसे ही बेटा एटीपी और एनएडीपीएच का यूज पीजीए में हुआ, रिडक्शन से क्या बनेगा बेटा, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट। ये भी कितने कार्बन का होगा, थ्री कार्बन का, तो कितने ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, टू बनेंगे, नहीं बनेंगे। जैसे टू ट्रायोस फॉस्फेट बन गए, है नहीं है। अब यहां से देखिए, जैसे ही ट्रायोस फॉस्फेट बना, यहां से बेटा एक कार्बन बाहर निकल गया, एक कार्बन बाहर निकल गया, ठीक। बचे कितने कार्बन, पांच कार्बन। अब आप यहां देखो, पांच कार्बन बच गए, ये पांच कार्बन का रीजनरेशन हो गया, दोबारा से क्या बन गया, आरयूबीपी बन गया। क्या बन गया है, आरयूबीपी। तो यहां पर भी एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी बन रहा है, एटीपी का यूज यहां पर भी हो रहा है, रीजनरेशन प्रोसेस में एक एटीपी का यूज होता है, एक एटीपी से एटीपी बन रहा है। अब आप यहां देखो, जैसे ही एक कार्बन, देखो एक साइकिल में एक कार्बन निकल रहा है, ऐसे कितने साइकिल होंगे, अरे ग्लूकोज बनेगा ना, अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऐसे कितने ग्लूकोज कार्बन चाहिए, छह कार्बन चाहिए ना, छह कार्बन चाहिए, एक एक साइकिल से एक कार्बन, कितने एटीपी लग रहे हैं, दो और एक तीन, ऐसे कितने साइकिल चलेंगे, सिक्स साइकिल चलेंगे, सिक्स साइकिल, तभी आपका एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पेपर में आता है एक साइकिल से कितने एटीपी, एक साइकिल में कितने एटीपी लग रहे हैं, तो तीन, लेकिन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने एटीपी लगते हैं बेटा, अरे 18 लगेंगे ना, छह साइकिल चाहिए मुझे, है नहीं है बेटा, छह साइकिल चाहिए, एक साइकिल में एक कार्बन बाहर निकल रहा है, तो छह साइकिल में छह कार्बन निकलेंगे, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। और एक साइकिल में बेटा कितने एटीपी लगते हैं, 3 एटीपी, तो टोटल वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, तो बेटा 3 × 6 18 एटीपी, और कितने एटीपी, 12 NADPH का यूज होगा, है होगा नहीं होगा, तो दो NADPH लग रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल, 12 NADPH हो गए। आगे एटीपी का सीन समझ में आज तक नहीं आया होगा, तो ऐसे होता है, एक कार्बन बाहर निकल गया, ऐसे छह निकलेंगे, फिर आंसर आ गया, समझ में आया नहीं है पक्का, ये बेटा C3 साइकिल, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं C4 साइकिल, बेटा हम बात करते हैं C4 साइकिल की, ठीक है। C4 साइकिल जो है बेटा दो स्टेप में चलता है, जो C4 प्लांट होते हैं उनमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो मिजोबिल सेल और दूसरा है बंडल सीड सेल। ये लार्ज लार्ज इना इनका जो अरेंजमेंट होता है, लार्ज अरेंजमेंट, लार्ज टाइप के सेल होते हैं, तो एक स्पेशल अरेंजमेंट मिलता है वहां पे, उसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। तो बंडल सीड सेल मिलेगा, क्रेंज एनाटॉमी, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, लार्ज सेल। अब क्या होगा, देखिए C4 साइकिल में दो में चलेगा, मेसोफिल सेल और बंडल सील सेल में। अब आप देखना यहां पर तीन कार्बन के कंपाउंड है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अब CO2 बेटा उससे जुड़ गई है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से CO2 फिक्स हो गई, उसको बोलेंगे फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, फिक्सेशन, ठीक है। अब यहां देखिए CO2 उसके साथ जुड़ गया तो बन गया चार कार्बन का, तो बेटा ऑक्सीजन एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, चार कार्बन का, और मैलिक एसिड कितने कार्बन का होगा, चार कार्बन का होगा, होगा नहीं होगा। अब जैसे ही फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से CO2 का एडिशन हुआ तो बन गया चार कार्बन का एक कंपाउंड, बन गया OAA, ऑक्सीजन एसिटिक एसिड। उसके बाद फिर से इसका यह कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, वो भी चार कार्बन का है, बस इतना ही चलेगा मिजोबिल सेल में। और सारा का सारा काम कहां होगा, बंडल सीड सेल में। बंडल सीड सेल में जो चार कार्बन का ये कंपाउंड है, यहां से बेटा देखो चार कार्बन का है, चार कार्बन से बेटा एक CO2 बाहर निकल गई,
और इसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा लेशन? डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे एक CO2 बाहर निकल गई, फिर से तीन कार्बन का बन गया, पाइरूविक एसिड बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? पाइरूविक एसिड, तीन कार्बन का कंपाउंड। अब जैसे बेटे यहां देखो, अब यहां से समझते हैं CO2, ये C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है ना? ठीक। अब आप यहां देखें C3 जो है, ये C3, ये C3 साइकिल दिख रही है, ये RUB भी यहां प्रेजेंट है, नहीं है? देखो यहां RUB और RUB भी प्रेजेंट है, यहां से CO2 इससे जुड़ेगा। देखो यहां सेम प्रोसेस, RUB से CO2 बन गया, फिर ये प्रोसेस बन जाएगा। ऐसे ही RUB से जैसे CO2 जुड़ा, CO2 की फिक्सेशन हुई, तो फिर से क्या बनाएगा? एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ATP का यूज होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? तो सेम प्रोसेस यहां दोबारा चलेगी। फिर जो पाइरूविक एसिड है, पाइरूविक एसिड बेटा फिर से किस प्रकार लोड होगा? ये वाला थ्री कार्बन कंपाउंड जो है, थ्री कार्बन वाला कंपाउंड जो एसिड है, ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीपी फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कितने एटीपी का यूज होता है? दो एटीपी का यूज होता है, ओनली यूज ऑफ टू एटीपी, ठीक है ना? तो दो एटीपी का यूज यहां हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रीजनरेशन। दोबारा से पीपी बन रहा है, रीजनरेशन। पाइरूविक एसिड से पीपी का फॉर्मेशन रीजनरेशन कहलाता है। तो यहां पर केवल दो एटीपी का यूज हो रहा है, तो यहां कितने एटीपी का यूज हो रहा है? चलता रहेगा ना ये वाले प्रोसेस, 18 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? 18 एटीपी बनेंगे, ठीक है ना? मतलब 18 एटीपी का मतलब तो यूज होगा यहां पर। एक साइकिल में यहां पर कितने? तीन, और यहां पर दो। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ऐसे केम आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? तो इसको एक दो चीजें लिखे होंगे, उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये C3 साइकिल था और C4 साइकिल है। समझ आ गया? पक्का? चलिए हम बात करते हैं बेटा फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। बेटा फोटो रेस्पिरेशन, इधर देखिए सभी लोग, फोटो रेस्पिरेशन। बेटा नॉर्मली जो C3 प्लांट होते हैं, बेटा नॉर्मली C3 प्लांट में अगर मान लो RUBP CO2 के साथ अटैक करेगा, जुड़ेगा, तो 2PGA बनता है, तीन तीन कार्बन का। और लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा? RUBP किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। जब RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनेगा बेटा? PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है? लेकिन कैम C4 प्लांट जितने भी होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास एक मैकेनिज्म होती है CO2 को एंजाइम साइड में बाइंड करने के, एक मैकेनिज्म होती है। इसलिए C4 प्लांट क्या नहीं करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते, सिंपल है। और CO2 तो ऑक्सीजन को लेगा, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत है ना C4 प्लांट के, वहां पे बहुत अमाउंट में CO2 है, तो ऑटो को क्यों लेगा, ठीक है ना? तो C4 प्लांट तो शो ही नहीं करते हैं। C3 प्लांट कर भी लेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा? PGA तो बनता ही बनता है, साथ में क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना? और बेटा अगर मान लो फोटो, देखो फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस लेवल खत्म हो गया, लास्ट में फैक्टर फैक्टिंग है, ठीक है? जैसे मान लो लाइट है, और क्या क्या है, टेम्परेचर है, बहुत सारे और फैक्टर हैं जो क्या फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। बेटा अगर मान लो सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है लाइट, ठीक है? सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर लाइट है। मान लो सारे कंडीशन अगर फेवरेबल भी है, ऑप्टिमल भी है, अगर लाइट में कुछ ऊपर नीचे ज्यादा हो गया तो बेटा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो ऐसे ना ग्राफ दिया होगा आपको, उसको थोड़ा आपको पढ़ना है उसको, और कुछ C3 और C4 की रेंज दे रखी होगी, उसको आपको पढ़ना है, कैसे लाइट लाइट क्या होता है, कैसे आपको ग्राफ देखना है, उसका रिविजन करेंगे, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा? थैंक यू।